हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो मेरा GIC अकाउंट लॉग्ड हो गया था। एक्चुअली क्या होता है, GIC अकाउंट, सॉरी, मेरा वो GC की होती है, हाँ GC की, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जिसमें मेल्स आते हैं कि योर, जिससे हम, एक वेबसाइट होती है कनाडा की जिसमें आप अप्लाई करते हो फॉर PR, फॉर सिटीजनशिप, फॉर स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वो सारी एक प्रोफाइल बन जाती है आपकी, ठीक है। तो मेरे वाले में हुआ क्या था कि मैं अपना IT मुझे याद थी, पासवर्ड भूल गया था, पासवर्ड भी याद था, फिर उसके बाद ना सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। तो आपको शायद 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, मैंने सारे गलत कर दिए और मेरी GC की लॉक हो गई। तो मैंने जब अपने एजेंट को बताया तो वो मुझे गुस्सा करने लग गए, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। वैसे चलो उनको नॉलेज होगी, तो मैं बताता हूँ इस कंडीशन में करना क्या होता है अगर आपकी GC की लॉक हो जाती है। GC की अगर आपकी लॉक हो जाती है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मैं बहुत ही डर गया था कि वीज़ा का क्या होगा। तो मैंने सोचा चलो मैं GC की के बारे में बात कर लेता हूँ, आपको GC की के बारे में बता देता हूँ। GC की अकाउंट बनाना बहुत इजी है, ठीक है, और अगर आपका लॉक हो जाता है आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त था अमन जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मैंने उसके थ्रू कॉल लगाया था अमन को, तो उसने मुझे कस्टमर केयर कैनेडा के इमिग्रेशन ऑफिस, जहाँ GC का कस्टमर केयर जो 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, उनसे कॉल कराई थी कॉन्फ्रेंस से। तो मैंने उनसे बात की थी कॉन्फ्रेंस पे, तो मुझे क्या पता लगा, वो कहते कि नो नीड टू वरी, कोई वरी नहीं करना, अगर आपका लॉक हो जाता है वो अकाउंट आप नहीं रिकवर कर सकते, नॉट कभी भी रिकवर कर ही नहीं सकते वो अकाउंट, डरने की ज़रूरत नहीं। अगर वो अकाउंट आपका ख़राब हो गया, ब्लॉक हो गया, तो आपको क्या करना है, न्यू अकाउंट बनाना है। न्यू अकाउंट बना लिया और जो फाइल होती है वो फाइल दोबारा लॉन्च भी करनी, वो आपकी डिटेल्स आपने अपनी डालनी है, ठीक है, फाइल नंबर डालना अपना, वो आपको आपके एजेंट को पता होगा, और फाइल नंबर डालना है, और जो आपकी ऑफर लेटर आती है ना उसमें DL नंबर होता है, वो लाइसेंस नंबर होता है, वो डालना होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं डालोगे तो फिर उसे पता नहीं लगेगा कि ये आपकी आइडेंटिटी है। तो यही, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी GC की लॉक हो जाती है तो आपको ज़रूर रिकवर करने के लिए आपको न्यू अकाउंट बनाना है, ठीक है। अगर आपकी GC की लॉक हो जाती है, जैसे कि आपको पता ही है क्या है कि एक अकाउंट होता है जिसमें वीज़ा की जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको उसमें आपको प्रोसेसिंग टाइम भी देख सकते हो कि कितना प्रोसेसिंग टाइम है, कितना टाइम लगता है वीज़ा में, और आप ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरह के होते हैं। मैं तो ऑनलाइन सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, क्योंकि ऑनलाइन मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दी आता है वीज़ा। सो गाइस, मैंने ज़्यादा ही तेज बोल दिया, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा। वैसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और कॉनेस्टोगा कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, मुझे ज़रूर मिलना अगर कोई मिल सकता है, क्योंकि मैंने अभी रूम भी लेना है, मुझे पता नहीं है, मैं अभी तो इंडिया में हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ वो वीडियो में, बट ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी जब मैं कैनेडा में हूँगा, क्योंकि मैं ये शेड्यूल्ड लगा दूँगा और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। सो वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कईयों को नहीं पता होता इस बारे में, और एजेंट्स को भी नहीं पता होता। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।